देखो ये कोई शक नहीं है कि गैंगस्टर जिहड़े हैगे उन्हां दे खिलाफ 25-25, 30-30 केस दर्ज ने। उन्हां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा जे वो एक बंदा होर मार देणगे ते जिहड़ा हैगा 31वां केस दर्ज हो जाएगा। इसलिए मैं महसूस करदा कि भावें साडी सरकार सिक्योरिटी कर रही है, मैं लिख भी दिता है उस गल के भी मैनूं सिक्योरिटी चाहीदी है, पर मैं महसूस करदा कि जे असीं अपने फर्जां नूं राइट्स नूं कंट्रोल करन दे लई डिसिप्लिन नूं कायम करन दे लई असीं कुछ कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी करना साडी सरकार दा साडा फर्ज भी है। केंद्रीय जेल में उपद्रव झेलने वाले जेल सुपरिटेंडेंट ने जताया अपनी जान को खतरा। उन्होंने मांग की कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। उनके मुताबिक उपद्रवियों में गैंगस्टर भी हैं और उनके जेल से बाहर गुर्गे मौजूद हैं जो किसी समय भी उनके लिए खतरा बन सकते हैं। जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि जेल में कुल 3200 के करीब कैदी हैं, जबकि उनके पास केवल 120 पुलिस मुलाजिम हैं और वो भी 8-8 घंटे की ड्यूटी पर रहते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जेल के बाहर और अंदर गश्त को बढ़ाने के लिए जीपें और मोटरसाइकिल की दरकार है। जेल सुपरिटेंडेंट ने यह भी खुलासा किया कि दंगे वाले दिन से एक फरार हुआ कैदी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कहता है कि मेरे को 3100 तो 3200 के नेड़े इनमेट्स अपने कैदी ने रात कोई 6:30 के नेड़े तेड़े जेल की बंदी हो जाती है। बंदी तो बाद 7:45 BKU की बैरक नंबर 6 के कैदी तो हवालाती आपस में रोटी लेने के लिए झगड़ा हो गया। रोटी खा रहे थे, रोटी समय झगड़ा हो गया क्योंकि कई बार इन्हों रोटी लाइन के उन्होंने थालिया के उन्होंने बर्तन के देंदे हैं। दूजा कहता मैं पहला लेनी है, दूजा कहता मैं पहला लेनी है। उस वक्त उन्होंने 4 बंदे ने, उन्होंने 4 की आपस में ही लड़ाई हुई तो वह उन्होंने जोड़े कौलियाँ गिलास जी थाली सी उन्होंने एक दूजे से मारिया तो उस तो बाद साडे मुलाजम उत्थे मौके पर उन्होंने पहुँच के छड़ छड़ाई करती तो असं उन्होंने गार्ड ला के हॉस्पिटल भेजा। उन्होंने बड़िया नॉर्मल छोटिया मोटिया सट्टां ते जिहदे दे संबंध में अज मैं उन्होंने खिलाफ परचा दे दिता है। देखो मैं ये नहीं कहूँगा भी देश दे विच बड़ा वड्डा कांड है, पहला नौबा जेल गुरदासपुर जेल उत्थे भी इहो जिहियां वारदातां होईयां ने, उत्थे भी अग्नि की वारदात हुई है, परंतु ठीक है मैं इस गल बिल्कुल मानदा इत्थे इन्होंने जेल ऑफिशियल ते अटैक कीता है, दैन उन्होंने प्रॉपर्टी साड़ती सारी जेल की जी है ट्रैक्टर मेरी गड्डी साड़ती ई रिक्शा साड़ता कंप्यूटर साड़ते पानी वाले आरओ साड़ते उस तो बाद उन्होंने जेल के भजना शुरू कर दिता। इसलिए वारदात तो ठीक है हुई है पर अल्टीमेटली मैं नहीं कह सकता कि देश की सब तो वड्डी वारदात हुई। हाँ देखो जी इदा है कि मैं पहला भी इस बारे कई बार लिखा है, अल्टीमेटली पंजाब दियां 7-8 जेलां बहुत वड्डियां जेलां ने जिहड़ियां कि सेंट्रल जेलां आखवाउंदियां ने। लुधियाना भी उही उच्च एक वड्डी जेल है तो जिदे विच ना प्रॉब्लम यह है कि जिहड़ी बाहरली दीवार है, आम जेलां दे विच दो दीवारां हुंदियां ने, इस जेल दे विच एक दीवार है। इसलिए मेरे कोल घट्टो घट भी मैं महसूस करदा इस टाइम 120 मुलाजम है, मेरे को 300 मुलाजम के नेड़े होना चाहिए तो मैं उहदा पूरा कंट्रोल कर सकदा। पर साडे मुख्यमंत्री साहब साडे जेल मंत्री साहब सरदार रंधावा जी तो साडे DGP साहब बहुत सिर तोड़ कोशिश कर रहे हैं तो भर्ती हो रही है, ईवन 400-500 मुलाजम भर्ती हो भी चुका है। पर परसों जिहड़ी मीटिंग हुई है कैबिनेट की उहदे विच CM पंजाब ने 700 बंदा होर भर्ती करन दा हुक्म दे दिता है। बिल्कुल काफ़ी कमी है, ये गल बिल्कुल क्लैरिटी है कि मैं जे 120 बंदा कहाँ तो उन्होंने असी शिफ्टां दे विच लाउणा है, 8-8 घंटे तो बाद असी मुलाजम तो ड्यूटी नहीं लै सकते। मेरे को एक समय तो बाद 30 मुलाजमान तो ज़्यादा नहीं हैं, मेरे को 37 बैरक ने, जे 37 बैरकों के मैं एक एक बंदा लाऊंगा तो वह कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं महसूस करदा जिहड़े मेरे 8 ब्लॉक्स ने 100 जिहड़ियां 37 बैरक ने उन्होंने घट्टो घट भी 10-10 बंदे चाहिए ने एक शिफ्ट में, तां मेरी ड्यूटी पूरी हो सकती है। बाहर पेट्रोलिंग चाहिए है, कोर्ट मौके पर पेट्रोलिंग चाहिए है, जेल के बाहर पेट्रोलिंग चाहिए है, साढ़े को गड्डिया की घाट है, एंबूलेंस की घाट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े व्डे लैवल पर घाट है। इस संबंध में 10 तरीक न साढ़े प्रिंसीपल सैकटरी कृपा शंकर सरोज IAS साहब आ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने के लिए, मैं उन्होंने लिख के अपनी प्रपोजल्स पेश कर देवगा। देखो ये बड़ी वड्डी गलत धारणा है कि जेल के जैमर लगे हुए हैं, जेल के जैमर लगे नहीं हुए, गौरमेंट ने प्रपोजल भेजी है 4G जी है कि वो जैमर लगन वो अजे होम डिपार्टमेंट के पई है, जदों साढ़े जेल के जैमर लग जाएंगे तो मोबाइल की प्रॉब्लम बिल्कुल 100% बंद हो जाएगी।
परंतु ये प्रॉब्लम की आ रही है जी जेल की आले दुआले की लोकैलिटी है प्रशासन यही चाहता कि उन्होंने फोन मोबाइल फोन भी बंद हो जाए इस करके परमिशन लेनी पैंती है होम तो हूँ जो सरकार ने साडे डीजीपी साहब ने रोहित चौधरी साहब ने साडे मंत्री साहब ने छोटे जैमर जेडे के पोर्टेबल जैमर ने उन्होंने हाथ के लाने के हुक्म किए ने वो मे भी कि 15-20 दिन के कोई यह जी उन्हों की इंस्टॉलमेंट हो जाएगी पर फिलहाल जेल के कोई जैमर नहीं है। देखो मेरा डेली 350 बंदा पेशी तो जाता है लोग बाहर उन्होंने जोड़ा है बख्शीखाने मिलते हैं। दूजा पॉइंट मेरे जेल के आले दुआले जिनी भी अपनी लोकैलिटी है वह कंडेम्ड लोकैलिटी जी हैगी है उन्होंने हैगी है वह कंधा तो थ्रो भी करते हैं आम फड़े जाते हैं तो मैं अफसर को कई बार दिखाए ने इतने तक भी है कि जेडे इनमेट्स ने यह बंदी ने यह अपनी प्राइवेट कैविटी के फोन लुका के भी ले आते हैं। एक गल तो भी मैं इनकार नहीं करता कि साडे डिपार्टमेंट के कालियां भेडा ने वो भी जिहड़े हैंगे ने अंदर सप्लाई करदे आ। मैं 5 मुलाजमान के उत्ते FIR दर्ज की है बट ये चीज़ां नूं हटाउण दे लई समां लगेगा। मैं सिर तोड़ कोशिश की ही है कि डिसिपलिन नूं मुख रख्या जाए पर मैं किसी की इंटैग्रिटी नाल जिहड़ा हैगा उहदे नाल कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। हाँ मेरी इंटैग्रिटी जेल सुपरिंट की होर है जिहड़े हेठले मुलाजमान की इंटैग्रिटी होर है उन्हें प्रूव करने लई समां लगेगा। पहले 3 पॉइंटां तों बाद कालियां भेडां वाली गल भी है पर वो कल्लियां कालियां भेडां की मैं गल नहीं कर रहा वो जिमें बाहरों कंध परों थ्रो हो रही है कैविटी च पा के मोबाइल लेके आ रहे हैं होर कई तरीके बख्शीखाने तो मोबाइल लेके आ रहे हैं। साडे को प्रोपर सर्च मशीन वगैरह असी ह्यूमन सर्च मशीन नहीं है जब तक जेल की ड्यूटी के ह्यूमन बॉडी नूं सर्च करन वाली मशीन नहीं लगती उदों तक कंट्रोल करना इन्हां गल्लां पर बहुत मुश्किल है। देखो पहला मैं महसूस करदा कि जे मैंने इस जेल का सुपरिंट लाया है तो मेरे को 3100-3200 बंदा है तो उन्हां दी हैल्थ का भी मैं ध्यान रखा वो डेली बीमार होंगे ने सानू हॉस्पिटलों में भेजने पैंदे ने एंबूलेंसा मेरे को 1-3 चाहीदियां 4 इस तरह जिहड़ा हैगा अंदर फायर ब्रिगेड का होना जरूरी है। इस तरह मैं यह जी सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस रबड़ बुलट वगैरह जिहड़ी कि न्यू टेक्निक दे विच इन्हां दे चाहीदी है तो ये गल्लां जब तक होर जिवें अंदर प्रोपर साडियां पानी वाली मोटर सप्लाई पानी दे लई और अंदर मैनू इदा के जोड़े हैंगे न्यू कुछ वैपन चाहिए ने जोड़े कि मैं उन्होंने कंट्रोल कर रखा अल्टीमेटली जोड़ा इतों का सानू आर्म्स सप्लाई होया 78 तो बाद दोबारा और रिन्यू ही नहीं होया। मैं कोशिश की है कि फलौर किले के लिजा के इन्हें फायरिंग कराई है इसलिए उदन अभी हवाई फायरिंग की तो सानू काफ़ी कंट्रोल किया तो इस गल की भी मैं विश्वास दवाना कि जे 11:30 बजे मूवमेंट स्टार्ट हुई है तो मैं 2:30 बजे तो पहला ये मूवमेंट को कंट्रोल कर लिया। 3200 बंदा क्रिमिनल जिहड़ा पुलिस से अटैक कर रहा है पत्थर मार रहा है अग लगा रहा है गड्डियां साड़ रहा है रिकॉर्ड साड़ रहा है एस्केप कर रहा है तो इन्ना सौखा नहीं कि मैं अपने 35-40 मुलाजमान के नाल उन्हें कंट्रोल कर लगा पर फिर भी मैं अपनी जान की परवाह ना करते हुए ये काम किया तो मैं 2-2.5 घंटे कंट्रोल कर लिया। देखो जी असी जिहड़े कैदी फरार वाली गल है 5 फरार हुए सी उन्हां दे विच्चों असी 4 कैदी जिहड़े हैंगे ने बाहर साडी बाहरली लोकैलिटी ने भी हैल्प की है असी 4 फड़ लेने तो 1 बंदा अमनदीप सिंह नाम का कैदी अजे भी मिसिंग है तो जिहड़ी तुसीं सिक्योरिटी नूं मुख रखते होर तुहानूं की चीज़ चाहिए मैं चाहुंदा कि मैनूं अंदरले पासे पट्रोलिंग करन दे लई उहनूं कोर्ट मौका कहिंदे ने जिहड़ी कंध है उहदे नाल नाल घट्टो घट 3 गड्डियां जिप्सियां जिहड़ियां हैगियां पट्रोलिंग लई चाहीदियां बाहरले पासे घट्टो घट भी 5 मोटरसाइकिल पट्रोलिंग लई चाहीदे ने अंदर होर भी सानू इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिहड़ा कि मैं अपनी मर्जी नाल उन्हूं अंदर यूज़ करके तो मैं कंट्रोल कर सकता। देखो जी इस विच कोई शक नहीं हैगा कि CC कैमरा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेरे को इस टाइम 30 गैंगस्टर भी ने जिहड़े हाई सिक्योरिटी रखे हुए ने जदों तक असी उन्हां दी हर मूवमेंट नूं चंगी तरह नोट नहीं कर लेंदे उदों तक असी एक्शन नहीं लै सकते। मेरे को सिर्फ इस टाइम जो हुण मौजूदा चलदे सीगे वो 64 कैमरे जिहड़े CC लगे हुए सी जिन्हां दे विच्चों 10 कैमरे खराब सीगे बाकी चलते सीगे उन्होंने जदों कोई यह जी वारदात होंदी है इनमेट्स उन्हें तोड़ देंगे ने उन्हां दी भन तोड़ की है भन तोड़ करके जदों कैमरे बंद हो गए तो फिर मेरे वास्ते बड़ी मुश्किल है कि मैं किस तरह आपां फिर भी ये पत्थर मारदे रोएट्स करदियां दियां साडे फुटेज वगैरह आई हुई है जिहड़े असीं जिहड़े हैगे सीनियर अफसरां नूं मैं पेश कर दित्ती है। हुण अगे की कितना दी फर्दर कार्रवाई की जाएगी जिहड़े कल कांड होया जी उस तों बाद? देखो मैं उस संबंध में हजे साढ़े कोले पंजाब आर्मड पुलिस की दे 120 बंदा साढ़े कोले तैनात है पर मैं तो यही रिक्वेस्ट करांगा
कि घट्टो घट भी साढ़े को अजे 200 बंदा होर तैनात होना चाहिए। भावें जेल के हालात हुण नॉर्मल मैं कर लेने पर फिर भी अंदर फायरिंग हुई सब कुछ होया उस तो बाद इन्हों के मन के कितने ना कितने कोई क्रिमिनल लोग ने गिला शिकवा तो है ना तो मेरे अफसरों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। बाहर जाके इन्हों की एसोसीएशन बाहर भी है इसलिए सानू हुण जिवें मैं महसूस करदा मैनू एस्कॉर्ट व्हीकल का मिलना बड़ा जरूरी है। मैं सैशन कोर्ट जाना है, मैं हाई कोर्ट जाना है, मैं मीटिंगां ते जाना है तो मैं इस बारे थों थों इस सिचुएशन जिहड़ा हैगा उहनू वर्णन करना है तो मैनू एस्कॉर्ट का देना बहुत जरूरी है कि मैनू 100% थ्रैट है। जिवें कि बग्गा खान है, हरिंदर सी, भिंदर भिंदा सी जिन्होंने जेल पर जेल गुरदासपुर भी कांड वगैरह किए ने, तो सोनू गुजर सीगा, दीपक टीनू सीगा, इस तरह के जड़े ड्रेडड जिन्होंने आप खतरनाक गैंगस्टर कहने उस मेरे को अंदर सके। मैं देखो ये ट्राई अटैम्प्ट उन्होंने वालों ली गई जे मैं कहाँ तो बाकी जोड़े हैं इनमेट्स ने उन्होंने उन्होंने टोले बन बन के बाकी ब्लॉकों चु क्या तो बाकी इकट्ठा करके अटैक किया। देखो ये कोई शक नहीं है कि गैंगस्टर जोड़े हैं उन्होंने खिलाफ 25-25-30-30 केस दर्ज ने, उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंता जो एक बंदा होर मार देंगे तो जोड़ा है 31वां केस दर्ज हो जाएगा। इसलिए मैं महसूस करदा कि भावें साड़ी सरकार सिक्योरिटी कर रही है, मैं लिख भी दिता है उस गल के भी मैंने सिक्योरिटी चाहिए है, पर मैं महसूस करदा कि जे असी अपने फर्जा नूं राइट्स नूं कंट्रोल करन दे लई डिसिप्लिन नूं कायम करन दे लई असी कुछ कर रहे हैं तो सिक्योरिटी करना साड़ी सरकार दा साडा फर्ज भी है।